हर एक एमएचए के डायरेक्शन पर लोगों था ना पथरिया पूरे कंट्री में पहले ट्रैफिक वीक मनाया जाता था, अब ट्रैफिक मंथ शुरू हुआ है। इसमें एक महीना ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मेन इसमें जो हम लोग का जो इंटेंशन है लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, और हर एक दिन एक नया कार्यक्रम होगा। इसमें पब्लिक, जर्नलिस्ट आप लोग, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मिलके, एसोसिएशन मिलके इसको सक्सेसफुल बनाएंगे और लोगों में अवेयरनेस फैले कि किस अंग से हम लोग सेफली रोड पर चले, क्योंकि ये देखा गया है हर एक साल लाखों के तादाद में ट्रैफिक के दुर्घटना में लोगों का डेथ होता है पूरे कंट्री में। इसलिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टूल है जिसके थ्रू इसको हम लोग कम कर सकते हैं। आगे साहब, अगर पिछले कुछ दिनों में देखिए तो जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैं उनमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन साथ ही लोगों का ओजीडब्ल्यू वगैरह हैं उनकी गिरफ्तारी काफी अमल में आई जा रही है, इसके हवाले से थोड़ा जानकारी दीजिए। ऑब्वियसली सर, लुकिंग यहां से, लुकिंग यहां से, एक तो ये अकेजन नहीं था, पूछ दिया आप लोग, तो देखिए जो भी हादसा होता है, ग्रेनेड थ्रो होता है, चाहे पिस्टल शूटिंग होता है, आईडी ब्लास्ट होता है, इसमें मैक्सिमम देखा गया कि ओजीडब्ल्यू जो है जिसको हम लोग मिलिटेंट का एसोसिएट बोलते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कुछ एक शेयर करना चाहेंगे, कल हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इसको तफ्तीश किए तो एक आदमी को कल अनंतनाग से गिरफ्तार किए, उसका पिस्टल ग्रेन मिला, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल जो उसको अनंतनाग टाउन में कहीं किलिंग करना था। मैंने कहने का मतलब है कि जो नए लड़के यूथ जो है ओजीडब्ल्यू ये भी इसमें आ रहे हैं, इसके लिए पुलिस बहुत अलर्ट है और हम लोग टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है मिलिटेंट अगर कहीं आ जाएगा तो लोगों को पता, भाग जाते हैं लोग, लेकिन ये ओजीडब्ल्यू अगर आ जाता है कोई, किसी को पता नहीं होता है कि क्या करने वाला है। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत ये हमारा प्रायोरिटी नंबर वन पर है। देखिए जानबूझ के हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, और अभी तक जितना हम लोग को जो मेटा डाटा मिला है उसके हिसाब से तीनों जो एसोसिएट उसमें इनकाउंटर मारे गए ये इन्वॉल्वमेंट था उनका, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे, और हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन और टाइम लेंगे, पूरा लेके एविडेंस लेके पहले उनके पेरेंट्स को दिखा देंगे, उनको पहले कन्विंस करेंगे कि आपका बेटा कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, क्या था। सर 26 जनवरी आने वाला है सर, तो क्या तैयारी है सर? हाँ, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं, अब नाका चेकिंग शुरू हो गया, कॉर्डन सर्च शुरू हो गया है, और हमारे लोग ये पूरे तैयार हैं, और हमारे टेक्निकल जितना भी है रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस पूरे सर्वेलेंस रखे हैं, लेकिन टेररिस्ट भी कुछ कुछ वारदात करेंगे, और इसके लिए हम लोग पूरा अलर्ट हैं, और हम पूरा फोकस रहेगा प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस को, जो उसको हम लोग ऐसा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको दबा दे, जहाँ से कुछ होता है उसको दबा दे, कुछ को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी करेंगे। सर जो रिसेंटली 23 यहाँ जो कॉल सेंटर पर देखे देवर स्कैन उसका सर क्या है? हाँ, आप ये हम लोग शेयर नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट प्रेस ब्रीफिंग देंगे, एसएसपी से आप दोनों मिलकर देंगे, और उसमें भी चल रहा हम लोग तफ्तीश जा रहा है। सर अथर के फादर का कहना है मेरा बेटा मर गया, मुझे अब डेड बॉडी चाहिए उसको। देखिए जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक ही मानते हैं, लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम लोग देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सिक्रूम चले जाते हैं, थोजन में चले जाते हैं, और अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अगर हम उसको दे देंगे मान लीजिए तो लोग बहुत लोग देखने आ जाएंगे, हजारों में आ जाएंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा, या तो उनको फाइट करना पड़ेगा, टीएस को सेल करना पड़ेगा, चाहे उनको पैलेट यूज करना पड़ेगा, उसमें भी आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो उनका चूंकि बुरियल हो गया है उनके पेरेंट्स के सामने हुआ, उसमें पुलिस मजिस्ट्रेट उनके पेरेंट्स भी उनके फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट किए हैं, तो अभी देने की लॉजिक दोबारा किसी के ब्रियल होता नहीं है। बिल्कुल अभी देने को सवाल ही नहीं उठता है बोला, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 60% प्रूव हो गया, अब उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, हमारे पास डाटा आ रहा है,
पूरा एक्सपर्ट लेके उनके सामने रख देंगे कि देखो क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था पूरा। जब तक कोविड का प्रॉब्लम है सोसाइटी, कोविड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक, हम उसको लोन नहीं देंगे। क्योंकि ये आप लोग भी देखेंगे, देखे होंगे, ये सच भी है कि मिलिटेंट और सुसाइड के वीडियल में लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग हमारा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते सोपी को। अभी किसी सिविलियन का वीडियो होगा या फ्यूनरल होता है, कुछ होता है, तो उसमें लोग बात मानते हैं, लेकिन मिलिटेंट के मामला में लोग निकल जाते हैं। दो ही उपाय है उसके लिए, या तो आप उसको बाय फोर्स रोकेंगे, उसमें फायरिंग हो सकता है और फर्दर लॉस हो सकता है, उसको रोकने के लिए लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग नहीं देते हैं उसको। आरजी साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर अभी अमशीपोरा एनकाउंटर भी हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए एचएमटी का जो हॉकर्स का एनकाउंटर है, तो उसमें बताया जाता है कि मनी इन्वॉल्व है, जिसमें आर्मी ने भी मतलब उसमें डिनाई किया कि हमारे में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, उस पर क्या कहेंगे आप, क्या इसमें रियली पैसा इन्वॉल्व होता है? देखिए, उनको मीडिया ने सोशल मीडिया में मिस इंटरप्रेट कर दिया। जो भी इनकाउंटर होता है तो सोर्स को पैसा दिया जाता है, ऑफिसर को नहीं दिया जाता है, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे पैरामिलिट्री का हो, चाहे मिलिट्री का हो, आर्मी का हो, ऑफिसर को पैसा देने का कुछ नहीं है, ये सोर्स को पैसा दिया था। इस केस में भी उनके कंपनी के कमांडर ने जो प्रोमिस किया था, जो दिया भी है, सोर्स को दिया। सोर्स ने खुद मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसमें बोला है, उसको दिया, वो सोर्स थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेजर को पैसा मिला चाहे सीओ को पैसा मिला, इसको मिस इंटरप्रेट मीडिया में किया गया है। थैंक यू सर।